2024 की सियासी स्क्रिप्ट में बड़ा ट्विस्ट, विपक्षी एकता का ट्रेलर आउट, मायावती वरिष्ठ हैं, राजनीति का संगीन सवाल, अखिलेश किसके घनिष्ठ हैं, मोदी की गारंटी का जोर बीजेपी के खेमे से निकलकर जनता के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं के सियासी बोल में छाया हुआ है। ऐसे में इंडिया में विपक्षी एकता अखंडता की सटीकता सीट शेयरिंग पर मचे घमासान के निर्णायक दौर पर निर्भर है। इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादियों की सियासी पंचायत से एक खबर बहुत तेजी से बाहर आकर सियासी गलियारों में खलबली मचा रही है, और वो है अखिलेश यादव का मायावती की तारीफ करना। दरअसल 2024 की रणनीति को लेकर सपा की बैठक में मायावती को लेकर अखिलेश यादव की ओर से की गई सूत्रों पर आधारित टिप्पणी बहुत कुछ इशारा करती है। कहा जा रहा है कि अखिलेश ने कहा है कि मायावती सीनियर यानी वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, बीएसपी के इंडिया में शामिल होने पर सपा को कोई आपत्ति नहीं है। बस इस खबर के सामने आते ही यूपी में जनाधार तलाश रही कांग्रेस की सियासत सातवें आसमान पर पहुंच गई है। साफ है कि अखिलेश यादव ने मायावती को सीनियर लीडर कहा, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस ने जो समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाया या संदेश दिया है कि सब लोग मिलकर लड़ेंगे तभी बीजेपी को हराया जा सकता है, उसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव का ये बयान रहा होगा। हालांकि तल्खी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मायावती जो इंडी अलायंस होने जा रहा है, जिसमें अभी दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक मंच पर खड़े हैं, वहाँ पर मायावती आएंगी कि नहीं आएंगी। अखिलेश के बयान के मायनों पर न सिर्फ सपा बल्कि यूपी में 2024 में इंडिया का भविष्य भी टिका हुआ है, क्योंकि अखिलेश कई बार संकेत दे चुके हैं कि यूपी में वो ही इंडिया में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अखिलेश यादव ने काफ़ी लंबे अरसे के बाद मायावती के प्रति एक ऐसी टिप्पणी की है जिसमें कोई नाराज़गी, कोई क्रोध या कोई इस तरह का असंतोष नहीं है, बल्कि उनको अकोमोडेट करने की एक इच्छा जाहिर होती है। ये अपने आप में थोड़ा आश्चर्यजनक ज़रूर है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव चाहते थे कि उनकी समाजवादी पार्टी को ही एक तरीके का एकाधिकार मिले कि ज़्यादा सीटें उनकी पार्टी लड़े और कुछ थोड़ी बहुत सीटें वे कांग्रेस को और अपने सहयोगी दलों को दें। बात कुछ भी हो, मगर हाथी की साइकिल पर सवारी को पंजा कैसे कंट्रोल करेगा, ये बेहद चुनौती भरा है। लेकिन कांग्रेस का बीएसपी से दोस्ती बढ़ाकर साइकिल पर दबाव बनाने के प्लान पर अखिलेश से जुड़े एक बयान ने स्थिति को और भी गंभीर कर दिया, क्योंकि अब विपक्ष की नजर मायावती पर है। जिस तरह से उन्होंने मायावती के प्रति एक कह सकते हैं एक फीलर भेजा है, उससे लगता है कि उन्हें शायद आने वाले दिनों में मायावती के भी इंडिया अलायंस में आने पर कोई आपत्ति ना हो और वे उनसे भी किसी तरह का सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएं। तो अब मुझे लगता है कि ये गेंद कहीं ना कहीं मायावती के पाले में पहुंचेगी, जो चाह रही थी कि इंडिया गठबंधन में उन्हें ज़्यादा तरजीह मिले। चाहे यूपी के लड़कों की सियासी दोस्ती हो या फिर बुआ बबुआ की राजनीतिक घनिष्ठता, यूपी की जनता सियासत के इन रंगों से कई मर्तबा दो चार हो चुकी है और इसके मायने भी बखूबी जानती है, जिसके चलते बीएसपी का रुख आने वाले वक्त में क्या रहेगा, इसको लेकर फैसला काफी सोच समझ कर ही लिया जाएगा। मायावती के सामने सबसे बड़ा संकट है जो उनका वोट बैंक है, जो हमेशा उनसे इंटैक्ट रहता है, वो छिटक के कहीं दूसरी तरफ ना चला जाए। मायावती को इस समय दो डर हैं। एक डर तो ये कि जो उनका वोटर है, जो कैडर का वोट है, जहां पे बसपा नहीं लड़ेगी, वो कहीं बीजेपी की तरफ तो शिफ्ट नहीं हो रहा है, और अगर वो बीजेपी की तरफ नहीं शिफ्ट होता, कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है, तब भी मायावती के लिए ये एक कठिन परीक्षा होगी। तो मुझको लगता है कि इतनी आसानी से मायावती इंडी अलायंस की तरफ जाने वाली कम से कम मुझे तो नहीं दिख रही। अभी कुछ दिनों पहले तक अखिलेश यादव के रुख को देखकर कहा जा रहा था कि वो बीएसपी की इंडिया में एंट्री नहीं चाहते हैं, और मायावती ने भी एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट कर गेस्ट हाउस कांड से लेकर अब तक सपा की नीति और नियत पर जमकर हमले बोले थे।
ऐसे में अखिलेश यादव का हालिया मायावती की तारीफ में कथित कसीदे पढ़ना बाजी पलटने वाला है। साथ ही सपा की बैठक में सीट फॉर्मूले पर बन रही रणनीति पर अखिलेश यादव का स्पष्ट रुख भी सामने आया है। दरअसल सीटों के गणित में उलझी सियासत में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने वाली कतई नहीं है, क्योंकि खबर है कि अखिलेश यादव इस बात पर कायम है कि सीटों का बंटवारा तो ताकत और सियासी हैसियत के हिसाब से ही होगा। ऐसे में सीटों का बंटवारा यक्ष प्रश्न बन गया है। काले समय में मुझे लगता है कांग्रेस के लिए अब ये तय करना पड़ेगा कि वे क्या इन दोनों दलों को अपने गठबंधन में शामिल करना चाहेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए बची हुई सीटों की संख्या पर एक अनिश्चय की स्थिति आती है। और अभी तक तो कांग्रेस हो सकता है इस मामले को पूरा देखकर काफ़ी प्रसन्न हो रही होगी कि दोनों दल आपस में ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों ही दल उसके साथ चलने को तैयार हैं तो दोनों को अकोमोडेट करना एक चुनौती होगी। सपा यूपी में इंडिया में अपनी अहम नहीं बल्कि प्रमुख और सबसे बड़ी भूमिका की तरफ कई बार इशारा कर चुकी है और उस पर अभी भी अड़िग है। ऐसे में सियासी मायाजाल में साइकिल को फंसाने का पंजे का दांव 2024 की सियासी बिसात पर आने वाले वक्त में कई सियासी योद्धाओं की राजनीति को जरूर प्रभावित करता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।